नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। रेलवे नहीं ले रहा सबक, चला रहा ओवरलोड माल गाड़ियां, डस्ट से यात्री परेशान। राम जन्मभूमि पर जारी डाक टिकट बिक रहा हाथों हाथ, संग्रहण के लिए मिल रहा मिनिएचर। और ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व पखवाड़ा को मिल रहा प्रतिसाद, शिविरों का 15 फरवरी तक मिलेगा लाभ। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। जोनल स्टेशन में अभी भी ओवरलोड माल गाड़ियां गुजर रही हैं। कुछ दिन पहले इसी लापरवाही के चलते शेड क्षतिग्रस्त हो गया था। इस घटना के बाद भी रेलवे सजग नहीं है। ओवरलोड माल गाड़ियों से उड़ रही डस्ट के कारण स्टेशन में मौजूद यात्री परेशान हो रहे हैं। किसी भी मालगाड़ी को ओवरलोड नहीं चलाना है, इसे लेकर सख्त निर्देश हैं। इसका पालन सभी रेलवे को करना है। बिलासपुर रेल मंडल भी इसमें शामिल है, लेकिन यहाँ स्थिति विपरीत है। हर दिन ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं जहां ओवरलोड मालगाड़ियां गुजरती ना नजर आए। पिछले दिनों एक मालगाड़ी के वैगन में ओवरलोड कोयले के कारण प्लेटफॉर्म का एक शेड टूटकर लटकने लगा था। इसके बाद ओवरलोड मालगाड़ी के परिचालन को लेकर सख्ती बरतनी चाहिए थी, जिस पर रेलवे ने ध्यान नहीं दिया। यही वजह है कि मंगलवार को प्लेटफॉर्म से मालगाड़ियां गुजरती नजर आई, जिसके सभी वैगन में ओवरलोड कोयला भरा था, जिसके डस्ट से प्लेटफॉर्म के यात्री खासे परेशान हुए। मालगाड़ी परिचालन के दौरान एक नियम ये भी है कि कोयला हो या दूसरे सामान, जब अनलोडिंग साइडिंग के लिए रवाना हो तो सभी वैगन ढके होने चाहिए। रेल मंडल में इस नियम का भी पालन नहीं होता, जिसके चलते डस्ट उड़ता है। इससे न केवल पर्यावरण को नुकसान होता है, बल्कि यात्रियों की सेहत पर भी प्रभाव पड़ता है। इस अव्यवस्था को भी सुधारने के लिए रेल प्रशासन का ध्यान नहीं है, जिसे खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। रेल पुलिस अधीक्षक जीआर ठाकुर ने जीआरपी पुलिस में प्रभारियों का फेरबदल किया है। दो निरीक्षक, 3 SI, 4 ASI चौकी प्रभारियों का तबादला किया गया है। सभी थाना और चौकी प्रभारी को नई पदस्थापना मिली है। रायपुर जीआरपी थाना प्रभारी नहीं बदले गए हैं, वहीं दया कुर्रे को रायपुर का विभागीय निरीक्षक बनाया गया है। इसके साथ ही रायगढ़ प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया गया है। बिलासपुर प्रभारी DN श्रीवास्तव को रायगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। भोलानाथ मिश्रा को बिलासपुर का प्रभारी बनाया गया है। ये सभी जीआरपी अधिकारी कई वर्षों से एक ही थाने या चौकी में जमे हुए थे। जो लोग लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ थे, उनका क्षेत्र बदला गया है। यह सब जीआरपी की कार्य प्रणाली को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया है। बीते दिनों लोकसभा टीवी में एक खबर प्रसारित की गई थी, जिसमें ट्रेनों में पेंट्री कार में जांच ना होना बताया गया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए अब रेलवे के अधिकारियों के द्वारा पेंट्री कार की जांच शुरू कर दी गई है। बंडल से गुजरने वाली सभी गाड़ियों में नियमित जांच होने लगी है। प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक के दिशा निर्देश व वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक के मार्गदर्शन में वाणिज्य विभाग के पर्यवेक्षकों द्वारा सुरक्षा विभाग के साथ समन्वय करते हुए हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस, हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस, हावड़ा पोरबंदर कवि गुरु एक्सप्रेस तथा हावड़ा पुणे आजाद हिंद एक्सप्रेस के पेंट्री कार की गहन जांच की गई। जांच के दौरान पेंट्री कार में पर्याप्त मात्रा में पैकेट बंद खाना और रेल नीर की उपलब्धता पाई गई। जांच के दौरान लोकल अथवा अन्य ब्रांड के पानी की बोतलें नहीं पाई गई। साथ ही स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने व रेल नीर के अलावा अन्य ब्रांड का पानी नहीं बेचने की सख्त हिदायत दी गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक 6700 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं, जिसके प्रचार प्रसार के लिए छत्तीसगढ़ में स्टिकर कैंपेन चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जिला कांग्रेस कमेटी ने पार्टी भवन में स्टिकर लॉन्च किया, जिसके बाद इसे अपने अपने वाहनों में लगाया गया। दोनों अध्यक्ष ने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ आ रही है, जिसको लेकर यहाँ के युवाओं में भारी उत्साह है। यात्रा के प्रचार प्रसार में प्रदेश भर में स्टिकर कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसके तहत पार्टी के सभी निर्वाचित नेताओं और सभी मोर्चा संगठन के पदाधिकारियों के वाहनों में भारत जोड़ो न्याय यात्रा से संबंधित स्टिकर लगाए जा रहे हैं। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो कि 8 तारीख को जिस छत्तीसगढ़ में रायगढ़ में जिसका प्रवेश हो रहा है,
यह यात्रा शक्ति जिला, जांजगीर जिला, कोरबा और अंबिकापुर होते हुए उत्तर प्रदेश में जाएगी। पूरे देश में राहुल जी ने नॉर्थ ईस्ट से प्रारंभ किया यात्रा और ये यात्रा छत्तीसगढ़ में 8 तारीख को रायगढ़ से प्रवेश करेगी सुबह 10 बजे और वहाँ सभी कांग्रेस के लोगों को जाना है पूरे छत्तीसगढ़ के और वो यात्रा शक्ति होते हुए खरसियाँ, खरसियाँ से शक्ति, शक्ति से कोरबा और कोरबा से अंबिकापुर होते हुए बनारस उत्तर प्रदेश के लिए कूच करेगी और ये 536 किलोमीटर की यात्रा छत्तीसगढ़ में होगी। श्री राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाक टिकट जारी किए थे। 6 टिकट का मिनिएचर और रामलला मंदिर की छवि वाला लिफाफा संभागीय डाक कार्यालय में आ गया है। इनमें राम मंदिर, हनुमान जटायु, केवट राज और मां शबरी टिकट में अंकित हैं। पोस्टल स्टैंप विचारों, इतिहास और ऐतिहासिक अवसरों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम है। जब कोई डाक टिकट जारी होता है, जब इसे कोई भेजता है तो वो सिर्फ पत्र नहीं भेजता बल्कि पत्र के माध्यम से इतिहास के अंशों को दूसरे तक पहुंचाया जाता है। इसी तरह राम जन्मभूमि मंदिर का ऐतिहासिक दस्तावेज इस मिनिएचर में अंकित है जो पीढ़ियों को हस्तांतरित होगा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 स्मारक टिकट जारी किया था, साथ में पोस्टल लिफाफा भी है जिस पर राम मंदिर का चित्र है। खास बात है इसमें से चंदन की महक आती है। संभागीय डाक अधीक्षक वीके प्रसाद ने बताया मिनिएचर में 6 डाक टिकट हैं, इसे अलग से भी खरीदा जा सकता है। इसके यहां पहुंचते ही खरीदार आने लगे हैं। हालांकि पहली खेप में मिनिएचर और खास लिफाफे काफी कम मिले हैं। ये कल हमको प्राप्त हुआ बिलासपुर फिलैटेली ब्यूरो में, इसमें क्वांटिटी हमारे 180 करीबन आए, आपके मिनिएचर शिप्स आए हैं और FDC 40 आए हैं, जिसमें से अबाउट 60 जो है कल ही हमारे सेल आउट हो गए हैं ये, और इसमें बहुत ही इंटरेस्ट है हमारे सभी कस्टमर्स का और ब्यूरो फिलैटेली ब्यूरो से सभी कॉन्टेक्ट कर रहे हैं और कुछ लिमिटेड प्राप्त हुए हैं हमें, उसी अनुसार से ये सभी को हम प्रोवाइड करा रहे हैं। पंचतत्व से ही ये इसमें है, इसमें मिला हुआ है, उसका खुशबू भी इसमें है। डाक टिकट की डिजाइन में राम मंदिर, चौपाई, मंगल भवन, अमंगल हारी, सूर्य, सरयू नदी, माता शबरी, जटायु और अयोध्या मंदिर और उसके आसपास की मूर्तियां अंकित हैं। मिनिएचर की कीमत 80 और लिफाफा 50 रुपए में उपलब्ध कराया है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। स्कूली बच्चों में विज्ञान के प्रति रुझान बढ़ाने और उन्हें नए नए आविष्कार के लिए प्रेरित करने जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आत्मविश्वास से भरे स्टूडेंट्स कई विषयों पर मॉडल बनाकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट स्कूल में मंगलवार को विज्ञान प्रदर्शनी के साथ पुस्तक मेला का आयोजन जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा द्वारा किया गया। प्रदर्शनी में कृषि, चिकित्सा, शिक्षा, स्वच्छता, परिवहन और संचार जैसे विषयों पर मॉडल प्रस्तुत कर बालक वैज्ञानिकों ने उसकी उपयोगिता और जरूरत बताई। कम खर्चे में पुरानी साइकिल में सोलर प्रणाली पर आधारित मॉडल बनाकर बच्चों ने खूब सराहना बटोरी। ट्रैफिक प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण को लेकर कैसे नियंत्रण किया जाए इस पर भी बेहतरीन उपचार दिखाया। वाहन दुर्घटना में कमी लाने सेफ्टी मॉडल बाल वैज्ञानिकों की नई खोज है। सितंबर माह में विकासखंड स्तर पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था जिसमें 50 उत्कृष्ट मॉडल का चयन कर जिला स्तर पर इसको प्रदर्शित किया। प्रथम 4 टीम को पुरस्कार के रूप में ट्रॉफी और प्रमाण पत्र संयुक्त संचालक संभागीय शिक्षा RP आदित्य और समग्र शिक्षा विभाग के जिला परियोजना अधिकारी अनिल तिवारी ने दिया। ज्ञान प्रदर्शनी यहाँ पर रखी गई है, बहुत अच्छा प्रयास है, बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है। सभी स्कूल का मतलब सहजेज स्कूलों का और सामान्य स्कूलों का यहाँ पर पूरे जिले भर के बच्चे हैं और बहुत अच्छा प्रयास रहा है। सभी टीचर्स और बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के टाइम में डेथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसको हम कम कर सकते हैं। ऐसे बिलासपुर जैसे बिजी रोड में लोग क्या करते हैं, किसी की बात नहीं सुनना चाहते हैं, ट्रैफिक रूल को तोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। रूल को कोई नहीं सुनना चाहता, अब कितने जगह ट्रैफिक पुलिस लगा सकते हैं और लोग बात भी नहीं सुनते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने ऑटोमेटिक मॉडल बनाया है
जिसमें हम लोग वो कार को चलाएंगे तो वहाँ पर वो इंजन को सीज कर देगा, रोक देगा। बाइक की खासियत ये है कि ये ऑटोमेटिक चलता है, ये बिना मतलब वो चार्जर किए चलता है। इसमें हम लोग जो लगा है ये चलते चलते भी चार्ज होगा, मतलब जो हमारा चार्ज नहीं होता अभी भी ऐसा कोई साइकिल नहीं आया जो चलते चलते चार्ज हो, लेकिन ये चार्ज भी होगा चलते चलते। और इसमें जो बैटरी लगाया गया है वो लिथियम बैटरी है, जो वेस्ट बैटरी आता है ना लैपटॉप की, वो वेस्ट बैटरी से बनाया गया है। तो कोई भी एनर्जी सोर्स को लाइट में कन्वर्ट करके रिसीवर तक के सेंड करेगा, जैसे ये है पहला। और दूसरा है हमारा एयर पोल्यूशन कंट्रोल, ये मिक्सिंग मशीन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कभी भी पोल्यूशन का लेवल हाई हुआ तो कंट्रोल रूम में मैसेज चले जाएगा कि पोल्यूशन का लेवल हाई होगा। तालबहार से सिरगिट्टी जाने वाले अंडर ब्रिज के एक्सटेंशन का काम तेजी से चल रहा है। अंतिम चरण में रिटर्निंग वॉल को तोड़कर नव निर्मित अंडर ब्रिज को मौजूदा अंडर ब्रिज से मिलाने का कार्य करने रेलवे जा रही है, जिसके लिए 8 से 22 फरवरी तक सिरगिट्टी फाटक को बंद रखा जाएगा। बिलासपुर रेल मंडल के तारबहार में सिरगिट्टी की ओर फाटक के पास होने वाले जाम को दूर करने के लिए नया अंडर ब्रिज बनाया जा रहा है। सिरगिट्टी की ओर से शुरू हुआ काम पटरियों के नीचे से होते हुए दूसरी ओर पहुंच गया है। अब नए और पुराने अंडर ब्रिज को जोड़ने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। पुराने अंडर ब्रिज के मुहाने तक नए अंडर ब्रिज के निर्माण का काम पहुंच चुका है। पुराने ब्रिज के ऊपर से छत की सीट हटा दी गई है, दीवार भी तोड़ा जा चुका है। अब रेलवे यहां अंतिम चरण में रिटेनिंग वॉल को तोड़कर नवनिर्मित अंडर ब्रिज को मौजूदा अंडर ब्रिज से मिलाने का कार्य करेगी। 8 से 22 फरवरी तक इस काम को पूरा किया जाना है। इस दौरान इस फाटक को बंद रखा जाएगा। अंडर ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा होते ही स्थानीय लोगों को जाम से मुक्ति मिल जाएगी। इस कार्य के दौरान फाटक बंद होने पर राहगीर चुचुयापारा रोड अंडर ब्रिज, हेमूनगर रोड ओवरब्रिज और तिफरा रोड ओवरब्रिज का उपयोग कर सकेंगे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। जिले में 1 फरवरी से 15 फरवरी तक राजस्व पखवाड़ा दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान नगर पंचायत सहित हर ग्राम पंचायत में राजस्व शिविर लगाया जा रहा है। शिविरों में राजस्व संबंधी कामों के अलावा विकसित भारत योजना में शामिल योजनाओं के लाभ पाने से छूटे हुए लोगों के आवेदन भी लिए जा रहे हैं। पखवाड़ा के 6वें दिन बोदरी नगर पंचायत के संस्कृति भवन में शिविर लगाया गया, जहां नगर पंचायत के वार्डवासी बड़ी संख्या में पहुंचे और शिविर का जमकर लाभ उठाया। वहीं मामले को सुलझाने नायब तहसीलदार बोदरी संदीप कुमार साय और बोदरी सीएमओ भारती साहू मौके पर डटे रहे। इस पखवाड़े में महतारी वंदन योजना का लाभ पाने महिलाओं की भीड़ देखी गयी। 1 से 15 फरवरी तक राजस्व पखवाड़ा मनाया जा रहा है। अलग अलग गांव में इसके तहत शिविर लग रहे हैं। कोटा ब्लॉक के रानी गांव में मंगलवार को शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विभिन्न दस्तावेजों से संबंधित काम पूरा कराने लोग पहुंचे। वहां राजस्व संबंधित समस्या के अलावा वृक्ष कटाई की अनुमति, जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र सहित आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, वन अधिकार अधिमान्यता पत्र, नोनी सुरक्षा, किसान क्रेडिट कार्ड और महतारी वंदन योजना जैसे तमाम शासकीय योजनाओं का लाभ उठाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन दिए। रानीगांव के सरपंच श्रवण गहवई ने बताया कि राजस्व शिविर में लगभग 200 हितग्राहियों ने विभिन्न योजनाओं का लाभ पाने व पेंशन, राशन कार्ड और राजस्व से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदन दिया है। आज हमारे गाँव रानीगांव में 5/2/2024 दिन सोमवार को राजस्व पखवाड़ा दिवस मनाया गया, जिसमें 200 से ऊपर हितग्राहियों ने भाग लिया। सबसे ज़्यादा महतारी वंदन योजना का फार्म भरवाया गया और राजस्व के संबंधित समस्या, राशन कार्ड संबंधित, पेंशन संबंधित आवेदन प्राप्त हुए, जो हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि की बात है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। लिंगियाडी से अपोलो हॉस्पिटल जाने वाले सड़क पर गंदगी का आलम है। नगर निगम में वार्ड शामिल होने के बाद भी यहां नियमित तौर पर साफ सफाई नहीं हो रही है। क्षेत्र के रहवासी सड़क किनारे ही कचरा फेंक रहे हैं, जगह जगह फैला कचरा नाली को जाम कर रहा है। वहीं आसपास व्यवसाय करने वाले भी यहीं कचरा लाकर फेंक देते हैं। वार्ड क्रमांक 52 के पार्षद की उदासीनता के चलते यहां के रहवासी नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। इस क्षेत्र में कई दिनों तक कचरे का उठाव नहीं होने के कारण इलाके में बदबू भी फैल रहा है। इस ओर नगर निगम प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है, ताकि यहाँ के रहने वाले लोगों को राहत मिल सके। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर।
रेलवे नहीं ले रहा सबक, चला रहा ओवरलोड मालगाड़ियां, डस्ट से यात्री परेशान। राम जन्मभूमि पर जारी डाक टिकट बिक रहा हाथों हाथ, संग्रहण के लिए मिल रहा मिनिएचर। और ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व पखवाड़ा को मिल रहा प्रतिसाद, शिविरों का 15 फरवरी तक मिलेगा लाभ। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। कलेक्टर की नाराजगी का असर हुआ है, अब स्वामी आत्मानंद स्कूलों में सप्लाई किया गया घटिया फर्नीचर वापस किया जाएगा। बैठक में इन स्कूलों के प्रिंसिपल को इस वर्ष रिजल्ट में सुधार करने कहा गया, इसके लिए प्री बोर्ड एग्जाम लिया जा रहा है। जिले के स्वामी आत्मानंद स्कूलों के लिए 3 साल पहले खरीदा फर्नीचर घटिया निकला। जानकारी लगने पर कलेक्टर ने सभी प्रिंसिपल की उपस्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी से फर्नीचर की हालत पर रिपोर्ट करने कहा था। बाद में कलेक्टर के निर्देश पर स्कूलों में कबाड़ में रखा फर्नीचर सुधारा जा रहा है, जिससे ये उपयोग में लाया जा सके। इसके अलावा सप्लायर को बेकार फर्नीचर वापस करने कहा है। मंगलवार को बैठक में शामिल हुए सभी प्रिंसिपल से बेहतर वार्षिक रिजल्ट के लिए नोडल अधिकारी अनिल तिवारी ने कलेक्टर की मंशा के अनुसार मेहनत करने कहा। इस बैठक में फर्नीचर के मामले में भी चर्चा की गई। उन्होंने बताया जिले के स्वामी आत्मानंद स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, इसके मुताबिक ही रिजल्ट देने की तैयारी की जा रही है। सभी प्रिंसिपल को इसके लिए दिशा निर्देश दिया है, एकेडमिक कमी तत्काल दूर किया जाएगा। जो सामग्री 2020 की थी उसमें टूट फूट था, उसके लिए जो फर्म सप्लाई किया था उसको बुला करके निर्देश दिया गया और उसने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी स्कूलों में फर्नीचर टूट फूट को रिपेयरिंग करा दिया है और कुछ ऐसे फर्नीचर हैं जो बदले जाने योग्य हैं उनको बदलने की भी कार्रवाई बहुत सीमित संख्या में है, 10-5 की संख्या है, उसको बदल करके भी दिए जाने का कार्रवाई उसके द्वारा किया जा रहा है। कि प्री बोर्ड परीक्षा लेते हुए जैसा निर्धारित है स्वामी आत्मानंद विद्यालय के लिए उसकी परीक्षा लें और रिजल्ट पिछले बार बिलासपुर जिले का बहुत अच्छा रहा, उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लाने का इस बार प्रयास करें। प्री बोर्ड परीक्षाएं लेने और कमियां दूर करने बैठक में कहा है। साथ में होम एग्जाम से पहले सभी विषय का रिवीजन कराया जाए, जिससे स्वामी आत्मानंद स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चे परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। नगर निगम प्रशासन रिकांडो बस्ती में व्यावसायिक दुकान का निर्माण करवा रहा है। ग्राउंड फ्लोर में 38 दुकान तैयार हो रही हैं। 4,83,00,000 रुपए खर्च कर बनाए जा रहे इन दुकानों के पीछे अब तक 3 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। वहीं ठेकेदार को 2,20,00,000 रुपए का पेमेंट भी किया जा चुका है। मार्च 2023 में काम शुरू किया गया था, 15 महीना में इसका निर्माण कार्य पूरा किया जाना है। लोगों को रोजगार करने सस्ते दर पर दुकानों का आवंटन किया जाएगा, जिसकी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। नियम शर्तों का पालन करने वालों को आने वाले दिनों में टेंडर नीलामी प्रक्रिया के बाद यह दुकान उपलब्ध हो जाएगी। वार्ड क्रमांक 49 बहतराई में नगर निगम प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। इस वार्ड में पानी सप्लाई के लिए लगाया गया बिजली का पैनल और मीटर खुले स्थान पर जमीन में रख दिया गया है, जिसके कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। यहां रहने वाले बस्ती के लोग इस स्थान का उपयोग निस्तार के साथ साथ कामकाज के लिए करते हैं। वहीं आवारा जानवरों का भी यहां आना जाना बना रहता है। जमीन पर बिजली का खुला पैनल और मीटर रखे होने से जान का खतरा बना हुआ है। निगम प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। ACCU और थाना कोतवाली की टीम ने सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात गोल बाजार के पास लगे SBI के ATM में तोड़फोड़ कर चोरी करने के प्रयास के मामले में नाबालिग को गिरफ्तार किया है। आरोपी ATM में तोड़फोड़ कर रहा था, इसकी सूचना पुलिस को जैसे ही मिली तत्काल मौके पर पहुंची टीम ने नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया। चोरी के इस असफल प्रयास के मामले में SBI के मैनेजर की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस मामला दर्ज कर कार्यवाही कर रही है। घटना में प्रयुक्त हथौड़ी पुलिस ने जब्त किया है। घर में पुताई करने आया कर्मचारी मौका पाकर 8 जोड़ी पायल पार कर दिया। मकान मालिक कामेश्वर सोनी को इसकी जानकारी काफी दिन बाद लगी, जिसकी रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी विक्रम सूर्यवंशी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से 8 जोड़ी पायल बरामद किया गया है। आरोपी ने 1 माह पूर्व मौका पाकर अपने टिफिन में पायल रख कर गायब हो गया था। जब्त पायल की कीमत 35,000 रुपए बताई गई है। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कार्यवाही की गई है।
आत्महत्या की नियत से जहर खाकर भर्ती हुए एक व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई। चकरभाटा के अचानकपुर में रहने वाला 51 साल का रामफल लंबे समय से बीमार था। परिजनों के अनुसार दो बार लकवा का झटका आने और काफी समय तक इलाज कराने से वो थककर निराश हो गया था। दो दिन पहले जहर खाने से रामफल नेताम की हालत बिगड़ गई। परिजनों ने उपचार के लिए सिम्स में भर्ती कराया, जहाँ मंगलवार तड़के उसकी मौत हो गई। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।